हरि ओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय। क्यों वरदान साबित होगा इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2024 को सूर्य ग्रहों के राजा शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है, ये परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राशि है ये संसारिक सुखों को देने वाले शुक्र की आधिपत्य में आती है। इसलिए ये सूर्य का परिवर्तन वृषभ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिससे सूर्य जैसे ही 14 मई में परिवर्तन करेंगे वैसे ही युति बनेगी देवगुरु बृहस्पति के साथ। इससे बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। इसे शिक्षक योग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा 19 मई 2024 ये समय होगा जिस समय शुक्र भी स्वयं अपनी राशि पर वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इससे वैभव योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ योग थे, ये कुछ स्थितियां थी जिसकी वजह से ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये वरदान साबित होगा। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं। परंतु उससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं बता दूं, प्रिय दर्शकों, यदि आप ये जो फलादेश सुन रहे हैं चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली पर। क्योंकि ये जो आप उसे फलादेश सुन रहे हैं ये गोचर की स्थिति पर बना हुआ है, और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखना चाहिए या तो दिखवाना चाहिए, फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। फिर दर्शकों, सूर्य कन्या राशि या लग्न है आपकी, तो आपके लिए ये बेस होते हैं और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके तृतीय भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो शुभ परिणामों की बात करें तो इस समय आपके जीवन में विदेश से जुड़कर आपको लाभ मिलेगा। इस समय ऐसे कुछ काम जो कि बहुत समय से अधूरे थे उनमें पुनः स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, उनमें सफलताएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखने को यहां पर मिलेगा कि आप यदि बहुत समय से ऐसा कोई काम जो कि बहुत कठिन था उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो अचानक कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी, लगेगा कि हाँ ये काम तो बहुत आसान था। और पिता के साथ यदि मतभेद मनभेद था वो दूर हो सकता है। पिता के सुखों में वृद्धि, पिता के जीवन में कुछ बेहतर होने की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कुछ यदि समस्याएं थी, बाधाएं थी, वाद विवाद अनमन की स्थिति थी वो दूर हो सकती है। इस समय भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा। इस समय धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है, यात्रा करने का, लंबी यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। तो ये कुछ लाभ हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इस समय वैध स्थिति बन सकती है और साथ में आपको कंपटीशन, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां कंपटीशन का सामना कर रहे हैं तो यहां पर भी सावधानी बरतनी होगी। संभव है कि आप कुछ छोटी, अब जैसे कहा जाए कि कोई आपने एग्जाम दिया वहां पर 1 नंबर 2 नंबर से आप फेल हो गए, बहुत सारे उसमें एग्जाम हुए सभी को आपने क्लियर कर लिया, कुछ एक एग्जाम रहेगा जिसकी वजह से आपका काम ना हो पाया, तो ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं कि आप सफल होते होते विफल हो सकते हैं। तो आपको कोई भी काम करना है तो बहुत तैयारी के साथ, बहुत ज्यादा, अब कहा जाए कि
हर एक व्यक्ति इतना तो समझता ही है, परंतु मैं बता दूं कि जैसे आपने कोई भी काम किया, वहां पर आपने ए प्लान बनाया, उसकी पूरी तैयारी की कि आपने इस ढंग से ये काम करना, चाहे आपका व्यापार हो, जॉब हो या कुछ भी हो, हमेशा ए प्लान के साथ में बी सी जितना ज्यादा बना सकते हैं बनाइए, कम से कम ए के साथ बी तो होना ही चाहिए। यानी कि आपका एक आइडिया यदि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया तो दूसरा आइडिया आपको बना के रखना चाहिए, जिससे उसे इम्प्लीमेंट करके और आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते थे, जिस काम को करना चाहते थे, वो काम आप कर सके। जैसे ही ये प्लान फ्लॉप हुआ, आपने बी प्लान पे काम करना शुरू किया, साथ में आपको सी प्लान पे भी शुरू कर देना चाहिए। हमेशा एक पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है मांस मदिरा नशा से इन सब से दूर रहना चाहिए, खान पान में शुद्धि रखनी चाहिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा ही आज नहीं हमेशा ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, खासकर पिता का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। और आपको कर्म के भरोसे नहीं, क्षमा करिएगा, भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहना चाहिए। भाग्य का साथ तो मिलना ठीक ही है, परंतु जब कर्म करेंगे तो भाग्य भी पूरी तरह से साथ दे पाएगा। इसलिए आपको कर्म करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। और यहां पर आपको नित्य प्रति प्रातःकाल यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना जल्दी आप उठ सके उठें और भगवान गुरु भास्कर को अर्घ दें, और भगवान सूर्य का जो भी मंत्र आपसे बनता हो उसका आप जप कर सकते हैं, या तो आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, इससे और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।